परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में आया ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्रों में बदला जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की ऐसे सहाय। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर हमें मिला कि हम उसकी इबादत कर सके, उसका स्तुतिगान कर सके। आज का संदेश हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मिस्टर पी आर दास, रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुनेंगे। ये मेरा छोटा भाई है और अभी देवास में रहते हैं। आइए हम पहले एक गीत सुनेंगे और उसके तुरंत बाद परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सका। परमेश्वर की महिमा। भाइयों बहनों, क्रिसमस का सीजन है। ऐसे देखें तो दिसंबर महीने के पहले से ही क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। चर्चेस में कमिटीज की मीटिंग होती है, उसमें एडवेंट संडे के विषय में, चर्च डेकोरेशन के विषय में और कैरोल सिंगिंग के विषय में, महिला सभा का रोल, यूथ फेलोशिप का रोल, संडे स्कूल के प्रोग्राम्स, ये सब चेकआउट होने शुरू हो जाते हैं। और दिसंबर के पहले हफ्ते में तो प्रिंटेड प्रोग्राम्स सबके हाथ में आ जाते हैं। यही नहीं, घरों में भी प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। सजावट के लिए स्कीम्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, रंग रोगन होता है, जो पकवान बनाने का मेनू फिक्स होता है, और ये सब तैयारियां अभी मेरे हिसाब से सभी घरों में चल रही होंगी। सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में मनुष्य रूप धारण किया
यही क्रिसमस है। क्रिसमस के विषय में आप सब बेहतर जानते हैं क्योंकि बचपन से घरों में, चर्चेस में, संडे स्कूल में पढ़ते सीखते और क्रिसमस का फेस्टिवल जब से हो समाला तब से मनाते आए हैं। पर क्रिसमस के बारे में सही व्याख्या, अच्छी व्याख्या मुझको एक पुस्तक में पढ़ने को मिली, जिसके लेखक एक नामचीन प्रचारक डॉक्टर सेल्विन ह्यूज, उन्होंने अपने किताब में लिखा, संसार में बहुत से चमत्कार हुए। जी हाँ, सृष्टि की रचना भी एक चमत्कार थी ना, जल प्रलय भी एक चमत्कार था, इलिया के दिनों में उसकी प्रार्थना से जो ऊपर से आग बरसा और वो बलि पशु को और मिट्टी और धूल समेत सबको भस्म कर दिया, ये भी चमत्कार था। इलिशा के दिनों में भी चमत्कार हुए, हिजकिया के राजा के दिनों में भी चमत्कार हुए कि सूरज 10 डिग्री पीछे चल पड़ा, ये बहुत से चमत्कार हुए। पर इन सब में वो कहते हैं कि दो बड़े मुख्य चमत्कार थे, एक परमेश्वर मनुष्य रूप में, यीशु के रूप में इस संसार में जन्म लिया जिसे हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, और दूसरा चमत्कार परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को मरे हुए में से जिला उठाया जिसे हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। ये दो चमत्कार उनके हिसाब से मुख्य थे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। क्रिसमस के बारे में आगे वो वर्णन करते हुए अपने इसमें लिखते हैं कि क्रिसमस क्या है, ने लिखा कि द सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मैन सो दैट द सन्स ऑफ मैन मे बिकम सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में आया ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्रों में बदला जा सके, बन सके। यही क्रिसमस का आधार या मुख्य केंद्र या कह सकते इसको मुख्य संदेश है या मुख्य ध्येय है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, मनुष्य के पुत्र के रूप में आया ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्रों में बदला जा सके। पीड़ितों के काम 4:12 में जैसे लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके। ऐसा परमेश्वर के पुत्र का जन्म है क्रिसमस का त्योहार। परमेश्वर मनुष्य रूप में इस संसार में आया। अभी अपने आप से हमें एक प्रश्न पूछना है कि हमारे सेलिब्रेशंस कैसे हैं, तैयारियां कैसी है, और हमारे जो सेलिब्रेशंस किस तरह के चल रहे हैं, और हमने किस तरह अपने सेलिब्रेशंस को, इस उत्सव को मनाने का प्लान बना रखा है, हमने किस तरह से इसको मनाने की सोचा है। एक घटना मुझे याद आती है जो मैं बचपन से सुनता आया और मुझे अच्छी लगती है कि एक पॉश होटल में एक बर्थडे पार्टी अरेंज किया गया था। वहाँ काफी मेहमान आते थे, कार पार्क करके आते, और जो जिन एक साल के बच्चे का पहला साल का बर्थडे था वे जाकर उस बच्चे के माता पिता को बधाइयां देते, बच्चे के जन्म की बधाइयां देते और अंदर उसको एंजॉय करने के लिए अंदर जा रहे थे। सभी बधाइयां दे रहे थे, अंदर जा रहे थे, इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, संजीदा व्यक्ति आकर एंग माता पिता को उसने बधाइयां दी और धीरे से पूछा, जिसका बर्थडे है वो कहाँ है? तो माता पिता ने उसको यही जवाब दिया कि सर वो बहुत चंचल है, यहाँ आए सब कुछ खींच डालेगा, सब डेकोरेशंस को उल्टा सीधा कर देगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, उसको संभालना मुश्किल होता है, फिर उसको टाइम से उसको फीड देना पड़ता है और उसको डायपर भी बदलना पड़ता है, उसको उसको उसको, उसको ही ध्यान देना, उसके तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और हम एंजॉय नहीं कर सकते, हमारा सारा ध्यान उसके पीछे रह जाता है, इसलिए हमने उसको घर पे रखा है, आया के पास बैठा हुआ है, जिसका बर्थडे वही घर पे है और होटल में उसके नाम की पार्टी चल रही है। क्या हमारे सेलिब्रेशंस कुछ इस तरह के हैं क्या? यीशु जिसका जन्म हुआ उसको हमने अलग कर रखा है
और हम अपने भोग विलास में, मतलब सांसारिक बातों में, सांसारिक कार्यक्रमों में हम अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, कहीं हमारे सेलिब्रेशन ऐसे तो नहीं। इस समय भाई बहनों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 38 से 40 वचन में। यहाँ बेथनिया गांव का एक वर्णन है, मरियम और मार्था का घर है, प्रभु वहां से गुजरा। बड़ी बहन मार्था ने प्रभु को अपने घर में बुलाया, उसे बैठाया और उसके लिए घर में खाना बनाने में किचन में बिजी है, और उसकी छोटी बहन मरियम जो है परमेश्वर के प्रभु के पास चरणों के पास बैठी है और प्रभु उसको अपने वचन से सुना रहे हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं और वो बड़े ध्यान से सुन रही है। मार्था से जो अपने घर के कामों में व्यस्त थी, उससे अगर उस समय कोई पूछा होता कि ये बहन तू क्या कर रही है, तो उसके क्या जवाब होता, यही ना कि यीशु को मैंने बुलाया, बैठाया, उसको आदर दे रही हूं और उसके लिए सब काम कर रही हूं, सिर्फ यीशु के लिए काम कर रही हूं, मेरा ध्येय यीशु को प्रसन्न करना है, इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूं, सही है। और आगे क्या लिखा है 40वें वचन में, जब वो थक गई तो यीशु के पास आकर खड़ी होती है और क्या कहती है, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, तू देख रहा है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, उससे कह कि वे मेरी सहायता करे। लूका एक वैद्य था तो बड़े सलीके से उसने इस वचन को लिखा। अगर इसको ठीक से देखा जाए तो यही ना कि मार्था में यही कहती है कि हे प्रभु मैंने तुझे बुलाया, मैंने तेरा आदर किया, मैंने तुझे बैठने को कहा, तुझे बोलने को तो नहीं कहा, क्यों बोल रहा है, तू बोल रहा है तो मेरी बहन बैठकर सुन रही है और वो सुन रही है इसलिए मेरे मुझको अकेली छोड़ दिया, अगर तू नहीं बोलता तो वो तेरे नहीं सुनती और वो मेरे साथ काम करती और मेरी सहायता करती, मैंने तुझे बुलाया बैठाया, बोल क्यों कहा है। क्या हमारे परिवारों की और हमारे कलीसियाओं की यही स्थिति है, यीशु का नाम, क्राइस्ट का चर्च, यीशु की कलीसिया, डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट, घरों में बोर्ड लगा हुआ है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, पर क्या वहां यीशु को बोलने की और उसको वहां आज्ञा देने की और वहां कुछ कहने की आजादी है, नहीं, यीशु का सिर्फ नाम, अगर यीशु बोलेगा तो मेरा क्या होगा, ये मैं कैसे करूंगा, मेरा नाम कैसे होगा, यीशु के लिए रखूंगा सब, तो यीशु बोलेगा तो मेरा क्या होगा, यीशु तो कम मुझको दिखना है, जैसे वो क्या कहते हैं वो पाम संडे के दिन गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाल दिए तब उस पर यीशु बैठा, यीशु उजागर है, अगर गधी के बच्चे पर कपड़ा नहीं डालते तो गधी दिखती, यीशु नहीं दिख पाता। तो अपने आप को घटाना है और यीशु को बढ़ाना है, ऐसी क्या हमारे आज के इस सेलिब्रेशंस में हमारा उद्देश्य इस तरह का है, कौन है यीशु, यह वही है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 30वां वचन, वो एक दूत स्वर्ग दूत मरियम के पास आया और उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। कौन है यीशु, वही है जो एक स्वर्गदूतों का दल गडेरियों के पास आया, लूका 2:8 में गडेरियों से कहा, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सारे लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है, वही मसीह प्रभु है। मरियम से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना और गडरियों से कहा कि यह वही मसीह प्रभु है। मसीह प्रभु, क्या भी कभी इस शब्द पे आपने ध्यान दिया, मसीह, मसीह मतलब बचाने वाला, या मसीह मतलब सर्वव्यापी कह सकते हैं, सर्वज्ञान, सर्वशक्ति सामर्थ्य, और प्रभु मतलब परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, यीशु परमेश्वर साथ रहता है, और मसीह प्रभु मतलब जो वह परमेश्वर जो बचाने वाला है, वह है जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर है जो बचाने वाला है,
वह परमेश्वर है जो सर्वज्ञानी है। उसी बात को यूहन्ना ने अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। देखिए बड़ा अच्छी तरह से उसने डिस्क्राइब किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसमें 1-3 तक और उसके बाद उसका 14वां वचन। यहां पर यूहन्ना ने उसको अपने दूसरे तरह से दूसरे एंगल से स्पेसिफाई करने की कोशिश की कि मसीह प्रभु कौन है और क्या है। इन वचनों को मैं चाहता हूं कि मेरा जो ग्रैंडसन जो नील जोसेफ इन वचनों को हमें पढ़ के सुनाए। यूहन्ना 1:1-3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उसके 14वें वचन में ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। इन वचनों पर हम आगे कुछ समय मनन करने की कोशिश करेंगे। यही क्रिसमस का संदेश है। और वचन देहधारी हुआ, 14 में वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, जैसे कि परमेश्वर के पुत्र के तरह से द वर्ड बिकेम फ्लैश। यही मुख्य संदेश है हमारे क्रिसमस का। वर्ड बिकेम फ्लैश, परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जो खुद स्वयं परमेश्वर था, वो वचन जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी, वो वचन जो सर्वशक्तिशाली सर्वसामर्थी और सर्वव्यापी था, वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, उस वचनों के द्वारा सृष्टि की, वही वचन देहधारी होकर मसीह यीशु के रूप में हमारे बीच में निवास किया और हमने परमेश्वर का प्रतिरूप उसमें देखा। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों में प्रकट करने के लिए वचन के रूप में इस संसार में आया। जब इस बात पर मैं गौर कर रहा था तो मैंने वचनों में से पाया कि परमेश्वर जो उत्पत्ति 3:15, जब मनुष्य पाप में गिरा उस समय ही परमेश्वर ने इस संसार में आने की कल्पना कर ली थी, प्लानिंग कर लिया था। और उसने सर्प को श्राप देते हुए कहा था कि मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश, और यहां फिर सिंगुलर में आ गया, वह तेरे सिर को कुचलेगा, अर्थात स्त्री के वंश से एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा जो सर्वशक्तिमान होगा, जो मेरा प्रतिरूप होगा, वह तेरे सर को कुचलेगा। यह वही है जिसके विषय में मरियम को कहा गया कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही है जिसमें लूका 2:8 में गढ़ेरियों को कहा गया है कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। वही है जो सर्प के सर को कुचलने के लिए इस संसार में आने वाला है। परमेश्वर ने उस समय से इस बात की परिकल्पना कर लिया था। और हम देखते हैं कि गलातियों की पत्री में उसके 4:4-4 वचन में वहां पौलुस बड़े अच्छे से लिखता है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। स्त्री का वंश का वह व्यक्ति तेरे सर को कुचलेगा। और जब यहां पौलुस लिखता है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। पुत्र को भेजा मतलब ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस था, इसलिए उसको भेजा। अगर सिर्फ पैदा होता नए सिरे से तो वहां ऐसा नहीं लिखता कि उसने अपने पुत्र को भेजा कि स्त्री से जन्म ले, वहां तो ये लिखता वह स्त्री से जन्मा।
वह स्त्री से गर्भ में था और स्त्री से जन्मा। पर यहां परमेश्वर ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि यहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो पहले से उसकी उपस्थिति थी। इसलिए मेरा प्रभु कहता है इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं था, इब्राहिम से पहले था, क्योंकि वह सृष्टि में उसकी उपस्थिति पहले से थी और परमेश्वर ने उसको पुत्र रूप में भेजा ताकि वह स्त्री से उत्पन्न हो और स्त्री के वंश का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के उत्पन्न हो और वह स्त्री से जन्मा। सही समय आने पर, अर्थात जब समय पूरा हुआ, हर चीज का समय है और परमेश्वर ने जो समय ठान रखा था उसी समय के पूरा होने पर उसको यहां स्त्री के गर्भ से गर्भ में डाला और स्त्री से वह पुत्र उत्पन्न हुआ। हर चीज का समय इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, जब समय हुआ तब इसहाक की उत्पत्ति हुई। 100 साल की उम्र में परमेश्वर चाहता तो उसके पहले ही इसहाक को पैदा कर देता, शक्ति सामर्थ था उसके पास, पर वो समय जब आया तब वो करता है। हर चीज का समय होता है। याकूब के जीवन में समय आया तब उसने उसका नाम इसराइल रखा। मूसा के जीवन में जब समय आया तब उसने उसके झाड़ियों में आग के जरिए उसको दर्शन दिया। परमेश्वर के कार्य करने का अपना अपना एक समय है और जब समय पूरा हुआ उसने अपने पुत्र को भेजा कि वह स्त्री से जन्मा। ये समय आया इसके पहले ऐसा नहीं कि परमेश्वर शांत बैठा था। परमेश्वर शुरू से ही मनुष्यों में अपने आप को प्रकट करने के लिए बहुत से कोशिशें करता रहा और जब समय आया उसने अपने पुत्र को भेजा। क्या कोशिशें करता रहा इस पर हम कुछ समय ध्यान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसने प्रकृति के द्वारा अपने आप को लोगों में प्रकट करने की कोशिश की। परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करे, प्रकटीकरण या उसका एक उद्देश्य था और वह प्रकृति के द्वारा अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करता था। आप सब निकालने रोमियो के पत्र उसका पहला अध्याय 19 और 20 वचन, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर ने उन पर अपने विषय का ज्ञान उन पर प्रकट किया, 19 वचन में लिखा है, और 20 में आया है कि उसके विषय का ज्ञान उसके अनदेखे गुण उन पर प्रकट करने की कोशिश की। उनके अनदेखे गुण अर्थात सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की उसके द्वारा उसने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करने की उसने कोशिश की। उसने सूरज बनाया जो ज्योति देने के लिए, रात को ज्योति देने के लिए उसने चांद बनाया, तारे बनाए, समुद्र बनाए, समुद्रों का उसने सीमाना भी ठहरा दिया, उसने पर्वत बनाए, उसने पेड़ पौधे बनाए, उसने सीजन बनाए, पर रिजल्ट क्या हुआ? उसके 23वें वचन में लिखा हुआ Romans 1:23 में कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और जंतुओं की मूरत में बदल डाला। परमेश्वर के उस कार्य को देखकर मनुष्य ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा, उसके लिए उसको बहुत सी चीजें एनालाइज करने लगा, उसके ऊपर कल्पना करने लगे, उसको बहुत से फिलॉसफीज तैयार हो गए और फिलॉसफी तैयार होके जैसा जिसके दिमाग में आया वैसी मूर्त बनाकर उसकी उपासना करने लगे। परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, सूरज को देखा ज्योति देती है, सूरज की उपासना करने लगे। परमेश्वर के उस शांति की बात सुनकर उजाले को कनेक्ट करते हुए उनने चंद्रमा की उपासना शुरू कर दी। परमेश्वर जीवन का जल है और जो नदियां और समुद्र उसकी नदियों के उद्गम स्थल की वहां पर उसकी उपासना शुरू कर दी। परमेश्वर के लिए लिखा है जैसे दाऊद ने आकाश उसकी महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी प्रस्थ कला को प्रकट कर रहा है तो आकाश मंडल की उपासना करने लगे। परमेश्वर ने पर्वतों को सृजा, उनने पर्वतों को देखा इतना बड़ा ऊंचा पूरा और चट्टान से पानी निकाला, पर्वतों पर चट्टानों को देखा, बड़े पत्थरों को देखा और उन पर्वतों की उपासना शुरू करती। यही तो लिखा है
ये विनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और जंतुओं के मूरख में बदल डाला। और उसके 23-28 वचन में वहां परमेश्वर साफ लिखवाता है रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर को लोगों ने पहचानना ना चाहा, परमेश्वर के असली रूप को पहचानना नहीं चाहा। परमेश्वर ने जो प्रकटीकरण किया उसको फॉल्स एनालिसिस और फॉल्स फिलॉसफी बनाकर उन्होंने अपने हिसाब से मूर्तियां गढ़ ली, अपने हिसाब से कल्पना कर ली और उपासना करने लगे। इसलिए आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें जो करते हो करो करके छोड़ दिया। प्रकृति के द्वारा अपने आप को प्रकट करने में प्रकट नहीं कर पाया। लोग गलत निकले जो उसको सही रीति से उसको समझ नहीं पाए। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए दूसरा जरिया सुना, पुराने नियम में व्यक्तियों के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, व्यवस्थापकों के द्वारा, याजकों के द्वारा, नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा और जो भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी पहचान लोगों को उसने बतलाने की कोशिश की कि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर विश्वव्यापी है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। पर लोग नहीं समझे। परमेश्वर ने अपने नाम के द्वारा लोगों को अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की कि जब मूसा ने उससे पूछा कि लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूं, तो परमेश्वर ने कहा मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं। उसने अपना नाम यहोवा बतलाया, यहोवा परमेश्वर। उसने अपना नाम जब यहोवा हिरे, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा जिरे आदि नामों से अपने आप को जानने की कोशिश की और वो पर लोगों ने उसके नाम को, पर उसका नाम लोगों के बीच में सिर्फ उसके कैरेक्टर के एक स्पेसिफिक गुण को ही दिखलाता था। चंगा करने वाला यहोवा तो सिर्फ चंगा करने वाली बात बताता था, बाकी चीजों को नहीं बताता। तो लोग उसको पूर्ण रूप से जान नहीं पाए। वह व्यक्तियों के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की, व्यक्ति जो गलत निकले, क्योंकि रोमियो में जैसा लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो पाप सब मनुष्यों में फैल गई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, रोमियो 3:10 में कहता है। यहां उसने अपने आप को जैसे उदाहरण के लिए ले अब्राहम के द्वारा उसने प्रदर्शित करने की कोशिश की। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया जरूर, पर उसमें भी कमियां थी, वह भी झूठ बोलता था, झूठ बोल गया था, अपने पत्नी को बहन के रूप में प्रदर्शित करता कर दिया था, तो वह भी पूरी तरह से परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाया। एलिया के रूप में अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की, पर एलिया जो एक प्रार्थना किया, आकाश से आग आई और उसने जो बलि पशु और उसके लकड़ी, उसके पत्थर और उसका धूल और वहां के सारा जो पानी था सब कुछ उसने सुखा दिया, भस्म कर दिया। ऐसा महान कार्य करने वाला एलिया क्रोधी था और साथ साथ भयभीत भी था, डरता था। जब इज़राइल दाने ने कहा कि कल तक मैं तुझको खत्म कर दूंगी तो भाग रहा है, कहां गया विश्वास, अविश्वास में हो गया, वो भी पूरी रीति से प्रकट नहीं कर पाया। दाऊद के विषय में मैं देखते हैं, दाऊद जो है जिसके विषय में परमेश्वर खुद कहता है कि मेरे मन के अनुसार या मेरी मनसा के अनुसार चलने वाला राजा है। दाऊद को उसने बहुत आशीष दी, पर दाऊद के जीवन में हत्यारा था वो दाऊद, उरिया के पति को, उरिया को उसने मरवा दिया था उसके पत्नी को अपनी पत्नी करने के लिए, एक हत्यारा था। और एक उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि जब व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं कि राजा के क्या कैरेक्टर होना चाहिए, राजा के कैसे गुण होना चाहिए, तो वहां व्यवस्था विवरण 17:17 में कहता है कि जो राजा बनेगा उसको चाहिए कि वो बहुत सी स्त्रियां ना रखे। पर जब दाऊद राजा बना और जो दूसरा शमूएल उसके 5 अध्याय में देखते हैं कि वहां दाऊद का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद गद्दी संभाला, उसने अपने महल को बनते हुए देखा, उसके बाद वहां से वह चलते हुए हेब्रोन में आया और वहां लिखा है हेब्रोन में यरूशलेम की बहुत सी रखेलियों को रख रखा था।
बहुत सी रखेलियों को रख रखा था और उनको उसने अपनी पत्नी बना ली। अब जय राजा के विषय में व्यवस्था वर्ण में लिखा है कि वो बहुत सी पत्नियां ना रखे, बहुत से घोड़े ना रखे, बहुत सी स्त्रियां ना रखे, क्योंकि वो उसके दिमाग को खराब कर देती, उसका जो देव उसके जो विचारों को दूसरी ओर आकर डाइवर्ट कर देती, इसलिए बहुत सी स्त्रियां ना रखे। पर अभिषेक होने के बाद इमीडिएटली उसने बहुत सी स्त्रियां अकेलियां रख ली और बहुत सी पत्नियां बना ली। ये भी उसमें पाप था, परमेश्वर को सही रूप में प्रकट नहीं कर पाया। पुराने नियम में वचनों के द्वारा प्रकट करने की कोशिश की, उसने अपने नाम के द्वारा, पर हर एक नाम उसे एक एक सिर्फ एक पहलू को ही बतलाता था, दूसरे पहलू अनटच्ड रहता था। उसने एक ही, और जब वो अपने आप को वचन के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की तो उसमें एक और प्रॉब्लम आया, एक ही वचन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है, ये भी एक प्रॉब्लम था। एग्जाम्पल में लव, प्रेम। प्रेम क्या है? एक अपनापन है। प्रेम जो है एक सुधी लेने वाला, केयर करने वाला एस्पेक्ट है, और प्रेम जो है वो जो है उसको सहकार से मिलता है, प्रेम से एक प्रेरणा हमें मिलती है, प्रेम से अपनत्व का बोध होता है, प्रेम से हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये प्रेम का मतलब है। पर कुछ लोगों के लिए प्रेम, उनके लिए क्या है? दुख, क्योंकि उनका अनुभव ऐसा था, दुख, छल, धोखा, तिरस्कार। कुछ लोग प्रेम को उस वे में लेते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रेम नहीं मिला, यही चीजें मिली प्रेम के नाम पे, तो उनके लिए प्रेम का वह शब्द मतलब वो होता है। होम, घर। घर जो है एक शेल्टर है, रहने का स्थल है, और जहां पर हम शांति पा सकते हैं, विश्राम पा सकते हैं, सहारा पा सकते हैं। पर कुछ लोगों के लिए वही घर क्या होता है? तिरस्कार, सताव और भय का स्थल है, क्योंकि घर पर उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला, इस कारण वो घर की वही परिभाषा समझते हैं जो उनका अनुभव था। तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके मीनिंग्स बना लिए और परमेश्वर का सही रूप का प्रकटीकरण नहीं हो सका। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी वो अपने आप को नहीं प्रकट कर पाया। पुराने नियम में जो सृष्टि के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भी उसको लोगों ने गलत समझा, और हम देखते हैं कि पुराने नियम में वचनों के द्वारा भी उसको गलत मतलब निकल गया, जिससे वो अपने आप को पूरी रीति से प्रकट नहीं कर पाया। तो फिर वही पीछे चलाओ, स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच शत्रुता, दुश्मनी होगी, और स्त्री का वह, स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, वह तेरे सिर को कुचलेगा। यह वही है, तू उसका नाम यीशु रखना। यह वही है, हे गडरियों, यही मसीह प्रभु है, वही इस संसार में सीधा भेजा जाना, यही विकल्प रह गया था। और जो यूहन्ना ने लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के द्वारा ही सृष्टि की थी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, और वही वचन देहधारी हुआ, पुत्र के रूप में इस संसार में पुत्र के रूप में उस वचन को भेजा, और अंततः वचन जो परमेश्वर था उसे भेजा, जो स्त्री से जन्मा, जैसे उसने पहले से कल्पना की थी, उसको यहाँ समय आने पर उसको पुत्र को इस संसार में भेजा। वचन क्या है? वचन अभिव्यक्ति का एक जरिया है, कह सकते हैं। मान लीजिए एक मनुष्य बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जान पाएंगे कि वो क्या है, कहां से आया है, उसका नाम क्या है, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसके विचार क्या है? हम नहीं जान सकते, चुपचाप बैठा है। पर जब वो बोलने लगता है, जब वो बोलता है, अपने बारे में बतलाता है, तब हम उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से जान सकते हैं कि वो क्या है, उसके विचार क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, ये सब चीजें उसके बारे में बतला सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन इस संसार में आया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर के सारे जो पूर्ण प्रतिरूप को उन वचनों ने ही प्रकट किया।
उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को पूरी तरह से जान सकते हैं। उसके नाम से सिर्फ एक एस्पेक्ट जान जाते हैं, उसके पुराने नियम के उन व्यक्तियों से उनकी बुराइयों के कारण परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान सकते। पर वो परमेश्वर खुद अपना वचन इस संसार में लेकर आया, उस वचन जो देहधारी हुआ, उस वचन के द्वारा उसके कहने से, उसके सुनने से, उसको देखने से, उसको जानने से, उससे बातें करने से, उसके साथ संपर्क करने से हम परमेश्वर की नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के पूरे पूर्ण गुण को, सर्वगुणों को संपूर्ण रूप से जान सकते हैं। इसलिए तो मेरे प्रभु ने इस संसार में रहते हुए कहा, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मेरे भेजने वाले पिता को प्रकट करने आया हूं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह पिता पर विश्वास करता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक हैं, मैं पिता में से निकल कर आया हूं। ये कौन कह सकता है कि वही वचन जो देहधारी हुआ, जिसने अपने आप को परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया। तो मसीह के, प्रभु यीशु के संसार में आने का मुख्य उद्देश्य था प्रकटीकरण, परमेश्वर के पूरे सर्वगुणों को प्रकट करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसा महान व्यक्ति हमारे बीच में आया, वही हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। एक मैगजीन में पढ़ता था, एक बच्ची छोटी थी, वह अपने कमरे में अकेली थी और उस दिन खूब आंधी तूफान, रात में आंधी तूफान हो रहा था, बहुत डर रही थी। तो उसकी आया उसके पास आई, उसके माता नहीं थी शायद, उसकी आया उसके पास आई, बोले बेटा सो जा। तो बोले नहीं आया माँ, मुझको बहुत डर लग रहा है। तो बोले ये जो टेडी बियर है ना इतना बड़ा, उसको अपने पास रख कर उसके ऊपर हाथ रख के सो जा। तो बोला नो, इससे मेरा डर दूर नहीं होगा, आई वॉन्ट समथिंग विथ बोन्स मसल्स एंड स्किन, मुझको ऐसा चाहिए जिसमें हड्डी हो और मांस हो और चमड़ा हो, ऐसा मुझको चाहिए। यही परमेश्वर ने किया, हम जो इस संसार में डरते थे, हमारे डर को मिटाने के लिए, हमें परमेश्वर के गुणों से अवगत कराने के लिए, हमें परमेश्वर की निकटता में लाने के लिए, हार्ड मांस और चमड़ा के साथ इस संसार में मनुष्य रूप धारण किया, ताकि मैं और आप उसके द्वारा परमेश्वर को देख सकते, उसके द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं, हम परमेश्वर के पास पहुंचने की सामर्थ्य, हम पहुंचने की हियाव कर सकते हैं, क्योंकि मसीह जो गलातियों में कहता है वही एक हमारा बिचौली है जो हमें मसीह तक पहुंचा सकता है। ऐसे महान परमेश्वर के पुत्र के जन्मदिन हम कैसे मना रहे हैं, हमें बड़े संजीदगी से, आत्मिक रीति से, भावनाओं में, भावनाओं के वशीभूत उसको आदर देते हुए, उसके महिमा के अनुरूप सांसारिकता से परे हटकर आत्मिक आंखों से, आत्मिकता से उसके उस उत्सव को मनाना है। यही सचमुच में हमारे लिए क्रिसमस होगा। ऐसे तो कई क्रिसमस आए और चले गए, मेरे जीवन में भी 74-75 क्रिसमस आए और चले गए। अगर उस क्रिसमस को सही रीति से न मनाऊं तो मेरा क्रिसमस मनाना बेकार है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन हमें बड़े संजीदगी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, सांसारिकता से परे हटकर उसे मनाना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें सद्बुद्धि दे कि 2020 का ये क्रिसमस सही रीति से यीशु की महिमा के लिए मना सके, ताकि हमारे इस सेलिब्रेशंस के द्वारा लोग उस यीशु को जान सके और पहचान सके। यही हमारे लिए सच्चा क्रिसमस होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, मेरी ओर से, हमारे परिवार की ओर से हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।
आइए हम प्रार्थना करें। अनादिकाल से अनंत काल तक सबसे ऊंचे स्वर्ग के सबसे ऊंचे सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनेक एकमात्र अद्वैत सच्चा यहोवा परमेश्वर मसीह यीशु के सामर्थ्य उत्तम धन्य प्रेमी पवित्र नाम को लेकर आते हैं, जो हमारा गुरु और स्वामी प्रभु उद्धार करता है। पिता परमेश्वर, जीवन के हर प्राण के आशीषों के लिए धन्यवाद जिसे आपने हमें दिया, और सबसे बड़ी आशीष और वरदान जो मसीह यीशु स्वयं है, जिसे परमेश्वर के मेमने के रूप में आपने इस संसार में भेजा, जो जगत के पाप उठा ले गया, जो भीड़ों का महान रखवाला है, जिसने अपने देह पर पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मर करके मसीह यीशु के लिए जीवन बिताएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब पर आपका आशीष कात रखें ताकि हम मसीह यीशु के स्वरूप को प्राप्त कर सकें, अपने सृजनहार के स्वरूप को प्राप्त कर सकें, मसीह यीशु के डील डॉल को प्राप्त कर सकें और मसीह यीशु के स्वभाव को प्राप्त कर सकें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते सुन के कबूल करें, आमीन। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। हम एक साथ मिलकर कहें आमीन, 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 आमीन।